अय्यू महाराज हत्याकांड में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि पांच लोगों की भूमिका बेहद संदिग्ध है। ये पांचों सेवादार हैं। सीएसपी द्वारा जो जांच की गई है उसमें जिन लोगों के बयान हुए उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि पांच लोगों की भूमिका बेहद संदिग्ध है। महाराज को ब्लैकमेल करने के घेरे में आई युवती विनायक, शरद, शेखर और मनमीत, ये पाँचों संदिग्ध चेहरे हैं। महाराज की खुदकुशी की वजह कुछ लोगों को पता है लेकिन वे अब भी सच नहीं बता रहे हैं। साथ ही संदेह के घेरे की दूसरी लाइन में खड़े बाकी लोगों ने जानकारी होने के बावजूद रुपए लेकर अपना मुंह बंद रखा है। अब पुलिस को यह उम्मीद है कि बयानों के आधार पर पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। इस बीच संदेह के घेरे में आई द्वारकापुरी निवासी युवती से महाराज को ब्लैकमेल करने, उनसे संबंध और वेतन को लेकर पूछताछ की गई। विनायक ने पुलिस को बताया था कि युवती महाराज के पास सेवादार की हैसियत से काम करती थी, जबकि युवती ने महाराज से 15,000 रुपये वेतन लेने की बात कबूली। युवती महाराज के रिश्ते और ब्लैकमेलिंग के आरोप से इनकार कर रही है। उसने महाराज के फैसले में विनायक के हस्तक्षेप की बात स्वीकार की है। उधर नोटिस पर अपना बयान दर्ज कराने महाराज से आया महाराज का सेवादार अनूप राजुलकर और फाइनेंस का कामकाज देखने वाला अमोल चौहान भी अपना बयान दे चुके हैं। अनूप के कुछ हद तक बयान हो गए हैं, अब इनके बयान दोबारा भी लिए जा सकते हैं।